सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और डायरेक्शन का पहला वीडियो है। हालांकि कल रात को मैंने आधा पार्ट अपलोड किया था बट अचानक नेट जाने की वजह से मैंने पूरा वीडियो हटा दिया ताकि आपको एक पूरा वीडियो में पूरा डायरेक्शन मिल पाए। और मैं आपको एक बात बोल दे रहा हूं, एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है उसका क्रैश कोर्स का पहला वीडियो है रीजनिंग का, और इतना तक बोल रहा हूं इसके बाहर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। लेकिन हां, वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा हर एक टाइप के क्वेश्चन टच करूंगा, प्लस मैं आपको वीडियो खत्म होने के बाद, जैसे आप वीडियो देख लेते हैं ना, उसके बाद आप जाकर एक पीडीएफ का सेट मैंने अपलोड किया है जो क्वेश्चन यहां पर है उससे बिल्कुल अलग, ठीक है? कहां पर? तो successkey98.in पर, तो वहां से भी जाकर डाउनलोड आप सभी कर लीजिएगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। अगर ये दो काम आप लोग कर लेते हैं, ये पूरा वीडियो का क्वेश्चन और पीडीएफ के पूरे क्वेश्चन अगर आप पूरा समझ जाते हैं, तो ये बोल सकते हो कि डायरेक्शन में एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा 100% गारंटी के साथ। और क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा सा आप ये पहले समझ लो, ठीक है? और विश्वास, आपको भी पता है एक चैप्टर से कुछ होता नहीं है। टोटल 20 वीडियो मैं आपको देने वाला हूं एनटीपीसी के रिगार्डिंग, और टारगेट ये है कि 30 में कम से कम 28 प्लस आप लोग उठा पाओ। और आपकी काबिलियत है, आप कोई भी सेट लेकर देखोगे ना ये करवाने के बाद, तो देखोगे आपसे हर एक क्वेश्चन, हर एक सेट आपसे सॉल्व हो रहा है, ये प्रूफ है, आप देख लेना। लेकिन मैं आपको एक बात और बोल रहा हूं कि इस वीडियो कम से कम शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन तक पहुंच रहा है जो कोचिंग सेंटर तक नहीं जा सकते, ठीक है? क्लास स्टार्ट करूंगा बहुत बेसिक से और 6 पार्ट मैं कवर करने वाला हूं। क्या क्या? एक तो डायरेक्शन का आता है आपका नॉर्मल क्वेश्चन, दूसरा आता है आपका थोड़ा ट्रिकी, छोटा रहेगा बट ट्रिकी रहेगा क्वेश्चन, तीसरा जो रहता है वो पाइथागोरस थ्योरम के बेस के ऊपर रहता है डायरेक्शन क्वेश्चन, चौथा जो आपका टाइप रहेगा वो रहेगा परछाई वाला, शैडो टाइप। क्या? शैडो टाइप। अब जो 1, 2, 3, 4 हो गए, जो पांचवा रहेगा वो रहेगा आपका थोड़ा लंबा, थोड़ा लेंदी और थोड़ा डिफिकल्ट, तो आप बोल सकते हो थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे। अब क्या छूट गया? तो एक छूट गया आपका एंगल डिग्री वाले, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, और सब मैं आपको करवा दूंगा एक क्वेश्चन भी। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलो बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक मैं समझाऊंगा ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो जो बिल्कुल भी नहीं जानते डायरेक्शन के बारे में। देखो आप सभी को पता है ये हमारा क्या होता है नॉर्थ उत्तर, ये क्या होता है हमारा पूर्व ईस्ट, ये क्या होता है पश्चिम वेस्ट, और ये क्या होता है हमारा साउथ, साउथ को मतलब दक्षिण। अगर मैं बोलूं ये क्या दिशा है तो आप क्या बोलोगे? ये भैया नॉर्थ ईस्ट है, यानी भैया ये उत्तर पूर्व है, बोल सकते हैं ना। अगर मैं बोलूं भाई ये कौन सा दिशा है तो आप बोलेंगे भैया दक्षिण पूर्व, ठीक है? ये कौन सा दिशा है तो आप बोलेंगे भैया ये है आपका उत्तर पश्चिम, ये वाला क्या है तो आप बोलेंगे भैया दक्षिण पश्चिम, राइट? इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा मैं आपको हर एक कंसेप्ट पानी की तरह क्लियर कराता चला जाऊंगा, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बोर्ड में आने वाला है, पहले खुद ट्राई करिएगा उसके बाद, वरना कॉमेंट, वीडियो देख के कॉमेंट देने वाले तो लाखों करोड़ों बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो बस वीडियो देकर कॉमेंट दे रहे हैं। लेकिन आपको वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट बनना है जो एग्जाम निकाल पाए और जो वीडियो देखकर पहले खुद ट्राई कर रहा है कि मुझसे कितना बन पा रहा है उसके बाद दे रहा है, तो आपको वो छात्र बनना है, ना कि वीडियो देखकर बस टुक्का मारने वाला, वो नहीं बनना है, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन ऑन बोर्ड आप सभी के सामने, आपको बताना है आंसर क्या होगा, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मोहन जो है, आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिएगा मैं फटाफट कराऊंगा, ठीक है? कंसेप्ट समझाते हुए बोल रहा है मोहन जो है वो स्टार्ट करेगा पॉइंट ए से और कहां जाएगा? साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ जाएगा पॉइंट ए से। मान लो मोहन यहां पर खड़ा है और यहां से कहां जाएगा? और एक बात मैं आपको समझा दूं कि अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, इधर क्या होगा हमारा, तो आप बोलेंगे भैया जो इधर होगा ना, ये वाला हाथ हमारा भैया होता है राइट, दाया। ये क्या होगा तो आप बोलेंगे भैया ये लेफ्ट होगा। अगर साउथ में क्या होगा तो ठीक नॉर्थ का विपरीत, उल्टा।
तो नॉर्थ में इधर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, राइट। अगर मैं ईस्ट में खड़ा हूं पूरब की तरफ, तो ऊपर क्या होता है भैया, ऊपर तो हमारा लेफ्ट होगा और नीचे हो जाएगा हमारा राइट, लेफ्ट राइट। अगर मैं ठीक इधर मुड़ जाऊं तो क्या होगा, ईस्ट का डायरेक्ट अपोजिट, ईस्ट का ठीक उल्टा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा राइट और नीचे हो जाएगा लेफ्ट। यह चीज आप समझ जाइएगा, बाकी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहन जो है स्टार्ट किया पॉइंट ए से, पॉइंट ए बिंदु से, और वो एक किलोमीटर जाता है कहां पर, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ। मान लो अगर मोहन यहां पर है और यहां से नीचे जा रहा है ना, दक्षिण की तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है, तो एक किलोमीटर जा रहा है। और इस बिंदु को नाम क्या दिया गया है, तो इस बिंदु को नाम दिया गया है पॉइंट ए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आपका क्वेश्चन में आगे बोल रहा है टूवर्ड साउथ, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ता है और एक किलोमीटर जाता है। अब नीचे में है तो लेफ्ट कहां होगा, ऊपर में होते हैं तो लेफ्ट इधर होता है, नीचे में है तो लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। तो कितना मुड़ा, एक किलोमीटर, राइट। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है, अब वो फिर से दोबारा का क्या मुड़ रहा है, फिर से दोबारा बाया। अब ऐसे तो लेफ्ट क्या होगा, ऊपर होगा, यानी फिर से ऊपर मुड़ा और कितना मुड़ा, एक किलोमीटर मुड़ा, ठीक है। अब बोल रहा है आपको, अब वो कौन सा दिशा फेस कर रहा है, कौन से दिशा की तरफ, तो ऊपर क्या होता है भैया, ऊपर हमारा होता है नॉर्थ। कोई आंसर में डाउट नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लीजिएगा हमारे सामने, जो अगला प्रश्न है वो है हमारा ये वाला। अच्छे से पढ़ो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, देखो आंसर क्या निकल कर आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी है 6 किलोमीटर चलता है कहां पर, नॉर्थ की तरफ। चलो कोई बात नहीं, आदमी कहां जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है। आदमी मान लो यहां पर खड़ा है, ऐसे जा रहा है, कितना गया, 6 किलोमीटर हमारा गया, ठीक है। जाने के बाद बोल रहा है, अब वहां से क्या कर रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है और 4 किलोमीटर जा रहा है। अब हम ऊपर जा रहे हैं, लेफ्ट कौन सा हाथ होगा, इधर। अब इधर मुड़ा, कितना मुड़ा, 4 किलोमीटर मुड़ गया, ठीक है। फिर बोल रहा है वहां पर ये अगेन, उसके बाद वो दोबारा लेफ्ट मुड़ रहा है। अब ऐसे है तो लेफ्ट कहां होगा, नीचे होगा, कितना गया नीचे आने के बाद, तो वो बोल रहा है वहां से 6 किलोमीटर दोबारा गया, कहां गया, 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है वो, एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 6 मीटर। अच्छा, अब नीचे आने के बाद राइट जा रहा है, राइट मतलब किधर, इधर, कितना गया, 6 किलोमीटर गया, ठीक है। अब बोल रहा है, थोड़ा लैपटॉप को ऐसे कर लूं, अब बोल रहा है आपको कि वो किस दिशा में है स्टार्टिंग पॉइंट से और कितना दूरी पर है। तो आप देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था, और यहां से दूरी कितना है, ये तो ऑटोमेटिक ऊपर का 4 और ये 6, यानी 10 मीटर दूरी तो हमारा है ही है। प्लस वो कौन सा दिशा में, इधर कौन सा दिशा है, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखते हैं शुरुआती जगह से, तो इधर कौन सा दिशा है, तो आप बोलेंगे भैया पश्चिम, वेस्ट। तो सही आंसर क्या होगा, 10 मीटर वेस्ट। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा सभी को। अभी बस क्वेश्चन देखो कितने ट्रिकी ट्रिकी आ रहे हैं, हर एक कंसेप्ट आपको पानी की तरह क्लियर कराऊंगा, ठीक है। बोल रहा है एक चूहा है 15 मीटर कहां जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। मान लो ये चूहा है जा रहा है कितना, 15 मीटर पूरब की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वहां जाने के बाद वो राइट मुड़ता है। अगर ऐसे जा रहे हैं ऐसे, तो हमारा ऊपर तो लेफ्ट है, नीचे हमारा क्या है, अब नीचे भैया हमारा दाया है, और वो कितना गया, वो गया भैया हमारा 10 फीट, कितना फीट, 10 फीट गया। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है वहां से वो राइट टर्न फिर घुमा और कितना चला, 9 फीट चला। अब अगर ऊपर रहते तो राइट हमारा ये होता, अब नीचे है तो राइट कौन सा होगा, इधर होगा, और वो कितना चला, तो वो चला भैया 9 फीट, पूरा 9 फीट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अब वहां से दोबारा बाया मुड़ता है और 5 फीट चलता है, यानी लेफ्ट मुड़ता है और 5 फीट चलता है। अब यहां से लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट अगेन नीचे होगा, अगेन नीचे होगा, और कितना चला, 5 फीट चलता है, ठीक है। फिर बोलता है वो फिर दोबारा क्या कर रहा है, दोबारा लेफ्ट मुड़ता है और 12 फीट चलता है। अच्छा, अब वो दोबारा चलता है और 12 फीट मुड़ता है, अब वो दोबारा कौन सा टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न। अब नीचे है तो लेफ्ट क्या होगा, ऊपर रहते हैं तो लेफ्ट ये होता है, नीचे है तो लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला, और 12 फीट, ये 12 फीट चला, ठीक है। उसके बाद बोला लास्ट में,
अंत में वो बाया मुड़ता है और 6 फीट चलता है। अब बाया कहां होगा? ऊपर होगा, ऊपर होगा, और ये 5 फीट से हल्का सा ज्यादा होगा। यहां पर ये 6 फीट चलता है और रुक जाता है। अब सवाल पूछ रहा है आपसे कि वो किस डायरेक्शन में देख रहा है। तो अगर आप देखोगे तो उसका डायरेक्शन कौन सा है, तो आप बोलेंगे भैया उत्तर होगा, यानी नॉर्थ आंसर होगा। आंसर तो बिल्कुल सही बोले हो, एग्जामिनर आपसे नंबर छीन नहीं सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट अगर लेकर आ जाए एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर आपको बोल दे जिन्होंने भी नॉर्थ बोला है उनका आंसर गलत नहीं है, नंबर मिलेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और बोल दिया जाए, अगर स्टार्टिंग जगह से देखा जाए तो अब वो किस दिशा में, अगर ये चीज बोल दिया जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तब आपका आंसर होना चाहिए भैया साउथ ईस्ट, यानी तब होना चाहिए दक्षिण पूरब। यानी यहां से अगर देख रहे हैं तो कौन सा दिशा है? ये दिशा है, और ये दिशा कौन सा है? नीचे में है और इधर है, यानी दक्षिण पूरब होगा। अगर ऐसा बोल दे सवाल में तब, वरना सवाल के अकॉर्डिंग नॉर्थ सही है, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसे भी याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्थ अगर ऑप्शन में दिया हो और सवाल में पूछ दे कि स्टार्टिंग दिशा से, तो तब नॉर्थ मारकर मत आइएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 4 नंबर, ये वाला है। चलो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिएगा। सवाल को पहले खुद ट्राई करना है, हालांकि मैंने पहले करवाया है, दोबारा करवा रहा हूं ये क्वेश्चन। सवाल क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, अभी मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग में ये कौन सा दिशा है, नॉर्थ है, ये साउथ है। थोड़ा बड़ा करते हैं ना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो अभी मैंने आपको समझाया क्लास के स्टार्टिंग में ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, ये साउथ है, ये क्या है, ये साउथ ईस्ट है, ये क्या है आपका नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। अब सवाल में ये बोल रहा है अगर साउथ ईस्ट, यानी अगर ये जो है ना, अगर ये आपका नॉर्थ बन जाए, यानी इसको बोल रहा है अगर ये बन जाए नॉर्थ बन जाए, ये बन जाए, और आगे बोल रहा है अगर नॉर्थ ईस्ट ये जो है आपका वेस्ट बन जाए, तो आपसे पूछ रहा है ये फिर क्या बनेगा इन दोनों को देखते हुए। तो आप देखोगे ये जो है हमारा नॉर्थ बन रहा है, कितने गैप है, 1-2 का गैप है। ये जो है हमारा वेस्ट बन रहा है, कितने का गैप है, 1-2 का गैप है। तो ये क्या बनेगा, 1-2 का गैप, यानी ये बन जाएगा हमारा साउथ ईस्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूरब, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 5 नंबर आज का। ये सवाल हालांकि कल लाइव क्लास से बहुत जन गलती दे रहा था, तो एक बार आराम से समझ लीजिएगा, पहले वीडियो पॉज कर ट्राई कर लीजिए। बोल रहा है एक रूम का लंबाई और चौड़ाई दिया गया 8 मीटर और 6 मीटर, ठीक है ना। चलो मान लो ये रूम है, ये बोला गया 8 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 6, यही बोला गया है ना। अब बोल रहे हैं एक चूहा है, चूहा बोल रहा है, बिल्ली है, एक बिल्ली है जो पूरे रूम को घूमती है, पूरे रूम को घूमती है, और लास्ट में यानी पूरे रूम को बिल्ली ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई और लास्ट में ऐसे भी गई, यानी डायगोनल भी गई। तो बोल रहा है कि जो बिल्ली है वो कितना दूरी तय की है, आपको ये बताना है। तो आपको पता है यहां से बिल्ली 8 मीटर गई, फिर 6 मीटर 14, फिर 8 22, 22 6 28, यानी 28 मीटर तो बिल्ली दूरी तय की ही है, प्लस ये डायगोनल भी दूरी तय की है। अब डायगोनल का कितना, डायगोनल का मीटर है ये दिया नहीं गया, तो कैसे निकालेंगे? आप सभी को पता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर करते हैं तो क्या निकलता है, हमारा डायगोनल निकल जाता है। तो ये 8 है, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 64 प्लस 36 कितना होगा, ये होगा 100, और 100 को बाहर है क्या होगा 10, यानी 28 प्लस 10, 38 मीटर होगा इसका आंसर। आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार ध्यान से। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 6 नंबर। इस क्वेश्चन पर ही आकर कल आपका क्लास जो है वो रुक गया था, तो इस क्वेश्चन को एक बार सभी कोई अच्छे से देखिएगा, समझेगा। सवाल क्या बोल रहा है, 2 स्क्वाड है, ठीक है, 2 स्क्वाड है आर्मी का, सोल्जर लोगों का बोल सकते हैं, ए और बी, ठीक है, और ये लोग कहां फेस कर रहे हैं। मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, समझिएगा, बस समझने का फेर है। 2 स्क्वायर है आर्मी का, एक ए है एक बी है।
अब बोल रहा है जो ए है ना वो कहां देख रहा है, पश्चिम की तरफ देख रहा है, कहां देख रहा है ये भैया, पश्चिम की तरफ देख रहा है, ठीक है। और जो बी है, जो ये बी नम बी जो स्क्वाड है ना आर्मी का, वो कहां देख रहा है, वो इधर देख रहा है, वो देख रहा है आपका कहां पर, यार गलती बोल रहा हूं, ए जो देख रहा है वो ईस्ट देख रहा है, वो पूरब की तरफ देख रहा है, और ये देख रहा है वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ, बी देख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है इन ए और बी कुछ कमांड इनको सुनाई दिया ऊपर के ऑफिसर से, कुछ ऑर्डर आया, क्या ऑर्डर आया कि इनको लेफ्ट टर्न पहले मुड़ना है, फिर अबाउट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, ये दोनों को करना है, और करने के बाद आपको बताना है लास्ट में ए और बी किस दिशा में मुड़े हुए हैं। बहुत आसान है ना, पहले क्या मुड़ाना है ए को या बी को, पहले मुड़ना है लेफ्ट टर्न। अच्छा अब ऐसे देख रहा है अगर ए, तो लेफ्ट कहां पर होगा, ऊपर होगा, यानी पहला टर्न तो ऊपर जाएगा इसका, इसका पहला टर्न कहां जाएगा, तो इसका ठीक भैया ऐसे जाएगा नीचे लेफ्ट टर्न, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, अबाउट टर्न। अबाउट टर्न का मतलब क्या होता है, जिस भी दिशा में आप खड़े हैं उसके ठीक विपरीत, यानी अगर लेफ्ट टर्न में है तो इसका ठीक विपरीत कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यानी पहला स्टेप ये लिया, दूसरा स्टेप ये लिया, और ये पहला स्टेप ये लिया, और दूसरा स्टेप अबाउट टर्न यानी ठीक इसका ये, और ये लिया क्या आपका दूसरा स्टेप, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अब मुड़ना है आपको राइट टर्न। राइट टर्न क्या होता है, अब राइट टर्न कहां होगा, ऊपर देख रहे हैं तो राइट टर्न कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी जो बी स्क्वायर्ड है अब कहां चला गया, इधर चला गया, और ये कहां पर है, ये इसका तीन नंबर डायरेक्शन है, तीन नंबर ऑर्डर, ये नीचे देख रहा है तो राइट टर्न कहां पर होगा, ऊपर होता राइट ये होता, यानी इसका जो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, और ये इसका तीन नंबर है। अब क्या बोला लास्ट में, लेफ्ट टर्न दोनों को, दोनों को लेफ्ट टर्न, तो अगर ऐसे देख रहे हैं तो लेफ्ट कहां पर होगा, ऊपर होगा, यानी बी का कहां पर होगा, ऊपर, लास्ट बी का लास्ट टर्न कहां होगा, जो सबसे अंतिम ऊपर है, याद रखिएगा। ए का कहां होगा, ए का अंतिम कहां पर होने वाला है, ए का, और इसको लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट कहां होगा, नीचे होगा, यानी ये होगा। अब कौन से दिशा में, ए का लास्ट टर्न ये वाला है, बी का लास्ट टर्न ये वाला है, ठीक है। तो बी कहां देखेगा, ए कहां देखेगा, ए भैया देखेगा साउथ में, और जो बी है वो देख रहा है नॉर्थ में, यानी आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण उत्तर, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एवरीवन क्लियर ना, आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन पानी की तरह क्लियर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है सेवन नंबर। एक बार चलो, एक आ गया पैथागोरस थ्योरम को लेकर, ट्राई करो, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पैथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सवाल को पहले आप लोग ट्राई करिएगा फिर मैं बताऊंगा, वीडियो पॉज करना, ट्राई करना, नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है, अगर मैं तीन ब्लॉक जाता हूं ईस्ट की तरफ, यानी पूरब की तरफ, तीन ब्लॉक, एक दो तीन, ठीक है, ये बोला है नॉर्मल, अगर मैं जाता हूं तीन फीट, ठीक है, नॉर्मल ब्लॉक मान लो ऐसे गया, फिर बोल रहा है वहां से चार ब्लॉक कहां जा रहे हैं, उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, एक दो तीन चार, अब कुछ भी मान लो ना, ये तीन गया, ये चार गया। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ फार एम आई फ्रॉम माई स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, यहां से यहां की दूरी कितना है, ये आपसे पूछा है, इसका डिस्टेंस पूछा है आपसे। और बहुत जन क्या करता है ना, चार तीन प्लस सात जोड़कर बोल देता है भैया सात आंसर होगा, तो एग्जाम में ना गलती कर देंगे आप, ये सही नहीं होता है, आपको इसका निकालना है। तो इसका तरीका क्या होता है, सभी को पता है भैया, ये तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर अंडर रूट कर दो, उसके बाद जो भी अंडर रूट आएगा उसको बाहर निकाल दीजिएगा। चार का स्क्वायर क्या होता है, 16, और इसका 9 जोड़ने के बाद कितना होगा, 25, और ये अंडर रूट 25 होगा तो क्या निकल कर आएगा, आप बोलेंगे भैया निकल कर आएगा आपका 25। इसमें किसी को डाउट है, किसी मेरे भाई बहन को डाउट है इसमें, यस और नो, ये सभी को पता है। और याद रखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा, मैं दोबारा और समझा दे रहा हूं, आपने पढ़ा होगा ट्रिगो में भी लेंथ हाइट
हाइपोटेनस क्या होता है। आप सभी को पता है कि अगर दिया है तो एल स्क्वायर नॉर्मल सा चीज है, इसको बेस जो है उसका स्क्वायर कर दो 3 का स्क्वायर, हाइट स्क्वायर कर दो 4 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा आपका 9 प्लस आपका 16, इसके कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, और ये बाहर आया कितना बन जाएगा 5, जिसका क्या है वैल्यू ये वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा 25। बहुत बेसिक सवाल समझाए हैं इस चीज को लेकर, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, गलती मत करिएगा, आगे और भी क्वेश्चन इससे जुड़े जुड़े आपके सवाल में अभी है। चलो अगला सवाल देखिएगा, आपका 8 नंबर सवाल जो है वो हमारा कौन सा है, 8 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा 8 ये है, ये क्या बोल रहा है आपको 8 नंबर, एक आदमी है 3 किलोमीटर जाता है ईस्ट की तरफ, चलो देखना सवाल को, 3 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ, ठीक है, फिर बोल रहा है ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए से, यानी इसको नाम दिया गया है आपका पॉइंट ए, पॉइंट ए से वो 3 किलोमीटर जाता है, फिर बोल रहा है वहां से वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न मतलब क्या होगा, दाया मुड़ रहा है वहां से, मतलब ऊपर तो ये है हमारा बाया है नीचे, अब फेस तो हमारा इधर है ना, यहां से मुड़ा कितना गया वहां से गया, देन टेक अ राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट बी, इसका नाम पॉइंट बी दिया गया है, और वहां से चलता है कितना 4 किलोमीटर, ठीक है 4 किलोमीटर, फिर बोल रहा है और ये पॉइंट सी पर रुक जा रहा है, इसका नाम दिया गया पॉइंट सी, और आपसे पूछा गया है ए और सी के बीच की दूरी क्या है, फिर से वही बात आ गया आपका, देख लो फिर से वही बात आ गया, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आंख बंद कर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट 25 होगा, फिर से आंसर होगा 5, फिर से इसका आंसर 5 आ जाएगा, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला सवाल आप सभी के सामने एक और है, वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, ये क्वेश्चन को आपको मैं पढ़ने के लिए टाइम दूंगा, चलो थोड़ा क्वेश्चन मैं भी बड़ा करता हूं ताकि आप सभी को समझ में आए, चलो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दिया हूं, इस क्वेश्चन को सभी कोई ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज कर समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आज के आपके सेशन का, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है, एक आदमी है वो चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से और 5 किलोमीटर चलता है साउथ की तरफ, चलो मान लो ये एक पॉइंट है, यहां से एक आदमी चलना स्टार्ट किया और 5 किलोमीटर बोला है, क्या 5 मीटर बोला है, और कहां जा रहा है, दक्षिण तरफ जा रहा है, ठीक है, फिर बोल रहा है और वो कहां पहुंच रहा है, इस पॉइंट का नाम भी दिया गया है, अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, यहां नाम दिया गया, और कहां पहुंच रहा है, पॉइंट बी पर पहुंच रहा है, ठीक है, पहुंचने के बाद बोल रहा है वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, अगर ऊपर चलते तो लेफ्ट ये होता, नीचे है तो लेफ्ट इधर होगा, यानी आदमी इधर चल रहा है और कितना चल रहा है 8 मीटर चल रहा है, ठीक है, और वो कहां पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है आपका पॉइंट सी पर, राइट, कहां पहुंचा पॉइंट सी पर पहुंचा, फिर बोल रहा है वहां से वो राइट टर्न लेता है और 6 मीटर चलता है, अच्छा अब वो ऐसे चल रहा है तो राइट कहां पर होगा, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, अब ये कितना चलेगा, ये 6 मीटर चलेगा, अब ये किसी पॉइंट पर पहुंच रहा है क्या, ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 6 मीटर, टेक अ फाइनल राइट टर्न एंड वॉक 8 मीटर टू रीच पॉइंट डी, अच्छा यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखो, अभी तक वो डी पॉइंट पर पहुंचा नहीं है, अभी क्या बोल रहा है आपको, वो वहां से ना फाइनल राइट टर्न अभी मुड़ेगा, अभी नीचे में है तो राइट कहां होगा, ऊपर होता तो राइट ये होता भैया, नीचे है तो राइट इधर होगा, और वो कितना चल रहा है, वो 8 मीटर चलेगा, यहां पर चलेगा, यहां पर चलेगा, चलने के बाद क्या बोल रहा है, वो कितना चला 8 मीटर और कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया पॉइंट डी पर, ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको पॉइंट डी ये बोला नहीं, पॉइंट डी इसको बोला है, अब आपसे पूछा है सी और डी का डिस्टेंस किया है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ट्रायंगल है, कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको, यहां पर तो किसी को प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, दिखाई दे रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है, और आपको पता है ये 8 है ये 6 है तो पैथागोरस थ्योरम भैया बताए थे, याद करके निकाल देंगे, क्या करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 64 प्लस 36 100 हो जाएगा, अब ये बाहर आएगा तो कितना होगा आपका, सॉरी अंडर रूट कर रहा हूं, कितना हो जाएगा 10, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, वही तो आपसे पूछा है, तो आप बोलेंगे भैया 10 मीटर जो है वो हमारा 100% सही आंसर है, 2 क्वेश्चन समझाने के बाद ये करवाया हूं,
आई थिंक आपको अभी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आई थिंक मैं बढ़ सकता हूं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा 10 नंबर, और यहां से स्टार्ट होता है आपका एंगल कोण वाला। लेकिन उसके पहले पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ पाओ, उसके बाद आप क्वेश्चन करना और पीडीएफ डाउनलोड करना successkey98.in से जाकर जाके, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। एक बार देखिएगा, एंगल वाले बहुत जन फंस जाते हैं। करना क्या है, मान लो अगर मैं आप सभी से बोलूं जो ये सर्कल है वो कितने डिग्री का है, तो आप बोलेंगे भैया ये 360 डिग्री का सर्कल होता है। पहले तो आपको ये समझना है 360 डिग्री का ये सर्कल होता है, सभी को पता है। अगर मैं बोलूं इसको दो भाग में बांट दूं तो एक भाग कितने का होगा, तो आप बोलेंगे भैया एक भाग 180 डिग्री का होगा, क्योंकि 360 को अगर दो से भागा देंगे तो कितना होगा 180। अगर मैं बोलूं अगर इसको चार भाग में बांट दूं तो एक भाग कितने का होगा, तो आप बोलेंगे एक भाग भैया 90 डिग्री का होगा। अगर 360 को चार से भागा दे 36 को तो 90 होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसको छह भाग में बांट दूं तो एक भाग कितने का होगा, 36 को 6 से भागा दीजिए कितना होगा 6, यानी एक भाग हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। अगर मैं बोलूं इसको 8 डिग्री में भाग दूं तो कितने का होगा, तो आप बोलेंगे भैया 45 डिग्री का एक हो जाएगा। क्लियर है ना आप सभी को। लेकिन इसको दो भाग में बांटना है, चार भाग में बांटना है, छह भाग में बांटना है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा क्वेश्चन उतने भाग में बांटेंगे। नहीं समझ में आया, चलो डायरेक्ट आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक चीज और मान लीजिए, क्वेश्चन जब भी आएगा ना दो तीन कंडीशन आपको बोलेगा, एक तो बोलेगा क्लॉकवाइज, एक बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी को देखते हुए, घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे, घड़ी तो ऐसे घूमता है ना। अगर बोले घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी ऐसे घड़ी के ठीक उल्टा, ये दो कंडीशन बोलेगा आपको क्वेश्चन में कभी भी। चलो क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं डायरेक्ट और देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं और सभी बना सकते हैं अगर ये चीज समझ गए, बहुत बेसिक सवाल है। चलो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ऑलरेडी बोर्ड में है, देखो क्या बोल रहा है। एक लड़का है जो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है और 60 डिग्री 120 डिग्री का बात किया है, 60 डिग्री और 120 डिग्री, तो कितने भाग में बांटना पड़ेगा, 60 डिग्री का बात किया नहीं 6 भाग में गोले को, ठीक है। देखो ऐसे चार तो हो गया 6 हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 6 भाग में बांटना है, ये हमारा क्या हो गया 8, सॉरी मैन। देखिए 4 और ये क्या हो गया 6, यानी एक जो सर्कल है वो कितने का है, वो 60 का है, क्योंकि यहां 60 का बात किया है कम से कम, तो 6 पकड़ सकते हैं 60 60 60 60 60। अब बोल रहा है जो लड़का है वो कहां देख रहा है, वो दक्षिणी तरफ देख रहा है, यानी लड़का कहां देख रहा है, यहां देख रहा है, नीचे देख रहा है, नीचे की तरफ, इस पॉइंट को नीचे देख रहा है। यहां से क्या कर रहा है लड़का, वो 60 डिग्री घड़ी के विपरीत जा रहा है। 60 डिग्री का मतलब एक जो है वो क्या है, पूरा 60 का है। लड़का यहां से यहां गया, यहां गया, फिर बोल रहा है उसके बाद 120 डिग्री घड़ी को देखते हुए जाता है क्लॉकवाइज। तो कैसे जाएगा, लड़का यहां से यहां गया, नीचे देख रहा था, अब क्या बोल रहा है, यहां से क्लॉकवाइज, यानी 60 60 120, लड़का यहां गया क्लॉकवाइज, पहले गया एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत, अब वहां से फिर 120 यानी 60 60 120। अब सवाल में पूछ रहा है अब लड़का कहां देख रहा है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है लड़का यहां देख रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इसको हम लोग दक्षिण नहीं बोलते हैं, अभी तो मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, इसको बोलते हैं भैया साउथ वेस्ट, यानी इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। लड़का अभी कहां देख रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है। क्लियर है ना, नहीं क्लियर है, एक सवाल और लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब जाकर आपका डाउट और ज्यादा निखर कर आएगा। आ जाओ चलो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन खुद से बनाओ, खुद से देखो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और यहां पर पहले देख लो डिग्री कितने चाहिए, सबसे कम 45 डिग्री है, यानी एक गोले में 8 खाना चाहिए। क्लियर है ना, चलो ये 4 6 8, यानी एक का जो कोण है वो कितने का है, 45 का है, ठीक है, इसका मतलब यही है, और सबसे कम 45 डिग्री है सवाल में,
तो 8 खाना चाहिए। अब सवाल क्या बोल रहा है, लड़का कहां देख रहा है, पश्चिम की तरफ। अब लड़का कहां देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, पश्चिम की तरफ देख रहा है। अब सवाल में बोल रहा है लड़का 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया। अच्छा, यहां से 45 डिग्री यानी ये पूरा गया 45 डिग्री घड़ी को देखते हुए, घड़ी के अनुसार। फिर बोल रहा है सवाल में उसके बाद 180 डिग्री फिर सेम दिशा में गया यानी घड़ी को देखते हुए। 180 मतलब कितना, 45। 90 मतलब 2, 45। 180 मतलब 4, 45 यानी 1, 2, 3, 4, यही मतलब हुआ ना। लड़का पहले 45 गया घड़ी को देखते हुए, फिर 180 डिग्री, 180 डिग्री में कितने 45 होते हैं, तो 4, 90 में 2, 45, तो 180 में 4, 45, तो 1, 2, 3, 4, लड़का कहां पर आ गया, लड़का यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है अब लड़का 270 डिग्री घड़ी के विपरीत जाएगा अभी यहां से, यानी घड़ी का विपरीत मतलब उल्टा। 270 में कितने 45 होते हैं, 90 में 2, 45, 270 में 6, 45, यानी अब लड़का यहां से 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लड़का यहां पर आ गया। अब यही चीज पूछा है आपसे कि लड़का किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, और अभी मैंने बताया ये डायरेक्शन कौन सा है, तो भैया बोलेंगे साउथ वेस्ट है भैया। आई थिंक आप सभी को क्लियर है, नहीं क्लियर है और क्वेश्चन है आप सभी के लिए, देखो क्लियर कर कर जाना है आप सभी को। चलो, वन ऑफ द टॉप क्वेश्चन टूडे क्लास, बहुत बेहतरीन बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है आज की क्लास का, अच्छे समझिएगा। आई थिंक आप सभी का डाउट आधा से ज्यादा यहां पर क्लियर होने वाला है। देखो बहुत बारीकी से आपको समझना है, खास कर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पी नाम का जो बंदा है वो अपने घर से चलना स्टार्ट किया, पी अपने घर से पश्चिम की ओर जाना जाने लगा, पश्चिम। अच्छा, यहां पर देखिएगा पी कहां जा रहा है, पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड वेस्ट, घर कहां पर है लड़का का, इधर है, ईस्ट की तरफ। तभी तो वो कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर कितना गया, तो 25 मीटर गया, वो कितना गया 25 मीटर गया, ठीक है। फिर बोल रहा है चलने के बाद वो है और 10 मीटर दाया मतलब राइट ऊपर जा रहा है ऊपर, और कितना गया, ये गया भैया 10 मीटर राइट। अब बोल रहा है आपको अब वो दोबारा राइट मुड़ता है, राइट मतलब ऐसे इधर ऊपर देख रहा है ऐसे, और कितना मुड़ रहा है 15 मीटर राइट, और ये 25 से 15 छोटा होगा ना, वो लंबा छोटा आप देख लीजिएगा, ये 15 मीटर हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है आपको आफ्टर दिस, यहां पर ये लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो आपको समझाना है आज, क्या बोल रहा है ना समझिएगा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आप और मजे लेकर समझ पाओ, ठीक है। ये मान लो सा घर था यहां पर, ठीक है। अब बोल रहा है यहां पर कि आफ्टर दिस वो 135 डिग्री राइट मुड़ता है, यहां समझना है मेरे भाई, 135 डिग्री राइट मुड़ता है। अब यहां से 135 डिग्री का मतलब 3:45 मान लो, समझिएगा यहां समझना है, यहीं पर बहुत जन गलती करता है, बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी गलती ना हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। लड़का किधर देख रहा है, तो लड़का अभी भैया इधर देख रहा है, यहां से राइट 135 डिग्री राइट कहां होता है, राइट तो उधर होगा नहीं, उधर तो वो हो जाएगा नीचे की तरफ, अगर ऐसे देखें राइट कहां होगा, नीचे होगा ना, तो यहां से 135 डिग्री, ये कितना, 1:45, 1:45, 1:45, समझ में आया। लड़का यहां पर है इधर, और एक जो कोण है वो नीचे जाएगा, भैया ऊपर क्यों नहीं ले गए, क्योंकि सवाल में बोला है 135 डिग्री राइट, और अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो नीचे राइट होता है ऊपर लेफ्ट होता है, ऊपर करेंगे लेफ्ट हो जाएगा नीचे करेंगे राइट होगा, और एक का मतलब 45, तो 2 का 90, 3 का 135, लड़का यहां पर है, ठीक है। यहां आने के बाद बोल रहा है अब वो 30 मीटर कवर कर रहा है, अच्छा 30 मीटर कवर कर मतलब ये लाइन जो है वो कितना कवर कर रहा है, 30 मीटर कवर कर रहा है, यही समझना है आपको। अब बोल रहा है अब वो लड़का किस दिशा में जाएगा,
इन विच डायरेक्शन, अब वो किस दिशा में जाएगा। तो ये दिशा है कौन सा, देखो ये दिशा कौन सा है, बार बार आपको समझाए हैं, ये दिशा है भैया साउथ वेस्ट। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। बार बार वीडियो पॉज करना, ट्राई करना, बनेगा सभी को, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो है, आई थिंक किसी को इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। वन ऑफ द टॉप क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जित्तू जो है वो मूव कर रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अच्छा नॉर्थ वेस्ट, एक बात बताइए, अभी तो आप सभी को यह चीज क्लियर हो गया होगा भैया, नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है। अगर मैं बोलूं आप सभी को, नॉर्थ वेस्ट जाता है और कितना जाता है, 2 किलोमीटर, तो बोल सकते हैं ये वाला नॉर्थ वेस्ट है, ये वाला नॉर्थ वेस्ट है, तभी तो नॉर्थ वेस्ट तो यही होगा ना। और कितना गया, 2 किलोमीटर गया। नॉर्थ वेस्ट क्या है, इधर है नॉर्थ वेस्ट यार, नॉर्थ ऊपर होता है, नॉर्थ वेस्ट इधर होता है, तो ये होगा नॉर्थ वेस्ट, 2 किलोमीटर गया। आगे बोल रहा है वहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 90 डिग्री। अब इसको 90 डिग्री कैसे घुमाए भैया क्लॉकवाइज, ये थोड़ा समझा दीजिए। चलो 90 डिग्री बोलेंगे, ऐसे घूमेगा 90 डिग्री और ये 2 किलोमीटर। भैया समझ में नहीं आया भैया आप क्या किए, थोड़ा और अच्छे समझाइए। देखो समझते हैं ना, इसको समझते हैं। मान लो अगर ये हमारा गोला है और यहां पर खड़े हैं और आदमी यहां पर है, तो 90 क्या होगा, आदमी ऐसे क्लॉकवाइज यहां पर होगा। अगर यहां पर है तब, अगर पूरे तरह से आदमी अगर पूरे तरह से पश्चिम की तरफ है और यहां से 90 डिग्री मतलब तब आदमी आएगा नॉर्थ की तरफ। लेकिन आदमी अभी कहां पर है, अभी आदमी यहां पर है, तो यहां से 90 कहां पर होगा, ये वाला दिशा। तो आई थिंक आप सभी को समझने में अभी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहां से 90 डिग्री मतलब आदमी ऐसे जा रहा और कितना गया, 2 किलोमीटर। अब सवाल में क्या बोल रहा है आगे, अब वहां से 90 डिग्री फिर गया क्लॉकवाइज, यानी फिर 90 डिग्री ऐसे गया, कितना गया, 2 किलोमीटर। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, समझिएगा ठीक है। अब बोल रहा है आगे सवाल में कि देन ही वुड बी इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द, अच्छा अब वो जो स्टार्टिंग पोजिशन था वहां से अब वो किस डायरेक्शन में, आपको ये बता रहे हैं। तो आपको क्या नजर आ रहा है, ऑप्शन क्या क्या है, साउथ नॉर्थ, तो साउथ नॉर्थ तो होगा नहीं भैया, ये तो क्लियर है। साउथ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा या ईस्ट वेस्ट होगा, वेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता, साउथ का सवाल नहीं उठता क्योंकि यहां से देखना है। तो एक ही ऑप्शन बचा, नॉर्थ ईस्ट, यानी ऊपर में नॉर्थ होता है और इधर में क्या होता है, ईस्ट होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पूरब, यानी नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। आराम से समझो, कोण बनाने वाले क्वेश्चन भी समझाएं आप सभी को, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी भी मेरे भाई बहन को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ये वाला। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मैंने आप सभी को करवाया है, और ये आता है आपका शैडो यानी परछाई वाला क्वेश्चन। चलो और उसके पहले ना आप थोड़ा एक बेसिक समझ लीजिए बहुत अच्छे से चीज, सुबह में सूरज कहां से उगता है। तो आप सभी को पता है सुबह में तो सूरज भैया उगता है पूरब के तरफ से, यानी ईस्ट के तरफ से, ठीक है। अगर मान लो कोई आदमी यहां पर खड़ा है तो उसका परछाई कहां गिरेगा, इधर गिरेगा। यार अगर सूरज यहां उगता है, आदमी यहां खड़ा है, तो परछाई तो इधर नहीं गिरेगा ना, परछाई तो ठीक इधर गिरेगा। तो सभी को पता है, कॉमन सा चीज है। सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सवाल देखो क्या बोल रहा है, बहुत बड़ा हो गया सवाल, बोल रहा है सवाल, हालांकि मैंने करवाया है। मॉर्निंग में उदय और विशाल एक दूसरे की तरफ मुंह देखकर बात करते हैं, ठीक है, और विशाल का जो परछाई है वो उदय के लेफ्ट में गिरता है। तो आपको यह बताना है उदय किस दिशा में फेस किया हुआ है। अब सुबह में सूरज उग रहा है, मान लो यहां पर सूरज उग रहा है, और एक बंदा मान लो यहां से आ रहा है और एक बंदा यहां से आ रहा है। आप बोलेंगे भैया यहां से क्यों नहीं आया, याद रखिएगा यहां से आएगा। आप कहीं से भी कर लो,
आप इधर रख लो, उधर रख लो, कहां भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो एक लड़का इधर सारे कहता है, मान लो इसको मान लिए, इसको मान लिए हम क्या, इसको पहले मानते हैं क्या, नाम दिया गया विशाल। अब विशाल का परछाई क्या बोल रहा है, उदय के लेफ्ट में गिरेगा। उदय कहां देख रहा है, साउथ में, और साउथ का लेफ्ट कहां होता है, नॉर्थ का, उत्तर का लेफ्ट ये होता है, तो साउथ का लेफ्ट कहां होगा, इधर, यानी इधर गिरेगा, इधर विशाल का परछाई उधर, लेकिन गिरेगा नहीं। मैंने अभी बताया सूरज अगर इधर से देख रहा है तो विशाल का परछाई किधर गिरना चाहिए, इस साइड, यानी उदय के इस साइड, लेकिन उदय का तो लेफ्ट उधर है, यानी इसका मतलब यह हुआ भैया ये विशाल नहीं होगा, यह होगा हमारा उदय और यह होगा हमारा विशाल। तब विशाल का परछाई कहां गिरेगा, इधर उदय का, और उदय का लेफ्ट कहां पर है, इधर है, तब यह हमारा आंसर जो है वो सही है। अब पूछा है उदय कहां देख रहा है, तो उदय देख रहा है हमारा नॉर्थ में। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, भैया आपने ऐसे क्यों बनाया, आपने ऐसे क्यों नहीं कर दिया, आप भी कर कर देख लो, फिर सूरज को घुमाना पड़ेगा, घुमा फिरा कर आपको यही पहुंचना है, ठीक है। चलो आई थिंक सभी को डाउट क्लियर होगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगर और क्लियर नहीं है तो और अच्छे से क्लियर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 15 नंबर, आ जाओ, ये नहीं, ये वाला आ जाओ, 16 नंबर, इस सेम क्वेश्चन में, यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है सूर्य उदय के सामने, सूर्य उदय होने के बाद निवेदिता और निहारिका बोला है, ठीक है, आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ मुंह कर फेस कर, कहां पर, डल्फिन क्रॉसिंग, डल्फिन क्रॉसिंग कोई नाम है रोड का वहां पर, ठीक है। अब मान लो सूरज सुबह में कहां उगता है, यहां उगता है, अब सेम वही कंडीशन होगा, यहां पर कौन होगा, पहले देख लो निहारिका का शैडो पड़ रहा है, किसका शैडो पड़ रहा है, निहारिका का परछाई पड़ रहा है राइट में, दाया में निवेदिता का। अच्छा यहां पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां किसको रखे, यहां निहारिका को रखे क्या, तो निहारिका का जो परछाई है वो कहां पड़ेगा, निवेदिता के एग्जैक्ट राइट ऑफ निवेदिता। अच्छा इसका राइट कहां होगा, अगर ऊपर होते तो ये राइट होता, ये राइट होता, लेकिन अब ये नीचे देख रही है कौन है, ये एन आई वी निवेदिता है, तो इसका राइट कहां होगा, इधर होगा, यानी इसका परछाई इधर पड़ रहा है, तो ये तो सही है भैया, अगर सूरज ये है तो परछाई इधर पड़ेगा, अब ये डायरेक्शन सही बैठा है, ये सही बैठा है, ठीक है। तो अब सवाल पूछा क्या है आपका कि निहारिका कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही है, तो निहारिका क्या फेस कर रही है, नॉर्थ फेस कर रही है। दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन बस राइट लेफ्ट बोला है, बस समझ जाइएगा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, हर एक क्वेश्चन करवाए हैं बस यही बोले, क्लास खत्म होने के बाद ना क्वेश्चन का जितने अलग क्वेश्चन का पीडीएफ है जाकर सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, हालांकि उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको बहुत प्यार से समझना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, चार एरोप्लेन है एयरफोर्स का ए बी सी डी, वो इस तरफ पूरब की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और वहां से उड़ना स्टार्ट किए और 50 किलोमीटर ए और डी उड़ने के बाद राइट मुड़ गए और बी और सी, अच्छा पेयर में दिया गया, यानी चार एरोप्लेन है पेयर में दिया गया ए और डी और बी और सी, ठीक है, बोल रहा है और चारों कहां देख रहे हैं, इसकी तरफ, यानी पूरब की तरफ चारों देख रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है ए और डी जो है उड़ने के बाद राइट मुड़ गए, कितना उड़ने के बाद, 50 किलोमीटर उड़ने के बाद, अच्छा राइट मुड़ गए, जितना भी उड़े, जितने देर भी उड़े, 50 किलोमीटर उड़ने के बाद राइट मुड़ गए। अच्छा अगर हम इधर देख, राइट कहां पर होगा, नीचे होगा, यानी ये दोनों कहां पर आ गए, नीचे आ गए, ऐसे आ गए, ठीक है, दोनों ऐसे आ गए, और जो बी सी है वो कहां मुड़ गए, लेफ्ट मुड़ गए। अच्छा अब ये लेफ्ट मतलब ऊपर, ये दोनों कहां आ गए, ये दोनों ऊपर में आ गए, लेफ्ट। अब आगे बोल रहा है कि 50 किलोमीटर उड़ने के बाद बी सी जो है वो लेफ्ट मुड़ गए, अच्छा ये दोनों फिर ऊपर जाने के बाद लेफ्ट मुड़ रहे हैं, बी सी, यानी ये दोनों कहां मुड़ गए, इस साइड दोनों, और ए डी को क्या बोल रहा है, ये दोनों भी लेफ्ट मुड़ गए, ये दोनों भी बाया मुड़ गए, अच्छा नीचे का बाया कहां होगा, इधर होगा, ठीक है। अब आपसे यही पूछा है सवाल में, ए बी डी सी जो है वो किस दिशा में है लास्ट में, तो देख रहे हैं ए डी जो है उनका दिशा क्या पर है, उनका दिशा भैया वो है आपका पूरब, क्या है आपका पूरब, और इनका क्या है वेस्ट, इनका पश्चिम होगा बी और सी का इनका होगा ईस्ट,
तो ये थे आपके रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही बोलूंगा पूरा पीडीएफ इस क्वेश्चन को छोड़कर जो एक्स्ट्रा पीडीएफ है जाकर सक्सेस की 98 वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप लोग ये भी देख पाओ कि प्रैक्टिस के बाद सीख पाए कि नहीं, या फिर कोई भी सेट आप लोग मार्केट से लेकर आओ। देखो हर एक क्वेश्चन आप सभी से बनेगा। और रात को 10 बजे आपका आज दूसरा चैप्टर होगा, मैं बोल चुका हूं 20 वीडियो में आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, वो भी प्रॉपर पीडीएफ के साथ। क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। उम्मीद करते हैं 2000 लाइक तो आप लोग इस वीडियो का टारगेट रहेगा। ठीक है, चलिए।